अस्सलाम वालेकुम लाइफ ऑफ मैकेनिक के व्यूअर्स, मैं हूँ लाइफ ऑफ मैकेनिक के साथ मोहम्मद अमजद और आज मेरा है पुलिस टेस्ट। तो मैं एजुकेटेड बंदा हूँ तो मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए फॉर्म फिल किया था, अप्लाई किया था, तो मेरी फिजिकल टेस्ट है तो उसके लिए मैं आज हैदराबाद पहुँचा हूँ। अभी रात 4:30 बजे निकला था और अभी 5:15 हो रहे हैं शायद, तो दिखाता हूँ मैं आगे आपको। सामने टेंट लगा है, चंग यही है। जी तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो मैं दुकान से आया हूँ, ये देख लें शर्ट भी अच्छे से प्रेस नहीं है और ये मेरी फाइनल लुक है और ये शूज़ है मेरे और ये चश्मे पड़ो, ये हाथ डाला हुआ मैंने और ये मैकेनिक हूँ देख लें, पर पढ़ा लिखा मैकेनिक हूँ। और ये पीछे टेंट लगा हुआ, टेंट में हमारी एंट्री होगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और उसके बाद हम रनिंग के लिए भागेंगे। और मैं काफ़ी टेस्ट दे चुका हूँ, पाकिस्तान में तो वैसे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं उसके हवाले से नहीं, मैं तो अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहता हूँ और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैकेनिक होकर कुछ सहूलियात देता हूँ लोगों को, लेकिन इसके अलावा अच्छी पोस्ट पे हो बंदा या अच्छी जगह पर हो तो अच्छी तरह से कर सकते कुछ भी। तो आप मेरे पीछे अब देख रहे हैं, बस टेंट लगा हुआ तो एंट्री होती है, फिर आपको दिखाते हैं रनिंग के दौरान भी कोई देखते, मोबाइल रहेगा जेब में तो वीडियो बना लेंगे। बहुत ठंड लग रही है, हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है और ये मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल खुला मैदान है, कुछ भी नहीं है यहाँ जी। हैदराबाद कौसार रोड, एयरपोर्ट रोड भी कहा जाता है इसे। बड़े मज़े की होगी रनिंग, मैं 50,000 टेस्ट दे चुका हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है रनिंग की। तो पीछे बच्चे खड़े डिस्कशन कर रहे हैं यार कैसे होगी रनिंग, कैसे भागेंगे, कोई फर्स्ट टाइम आया तो कोई दूसरी तीसरी बार आया। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, कॉन्फिडेंट हूँ और मेरी बॉडी भी देख सके आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। मैं देखें वज़न भी कुछ ज़्यादा नहीं है, फ्लेक्सिबल शूज़ और बस मैं ट्राउज़र पहन कर आना, ट्रैक सूट मेरा था नहीं, घर पर था तो घर पर अब कौन लेकर आया था, घर पर भी नहीं जा सका तो जो पड़ा था वो मिल गया वो पहन लिया। सो अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। सामने हमारा कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर हमारी एंट्री होनी है जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और ये हमारा रनिंग ट्रैक है, ये आप देख सकते हैं और ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, और बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है, बस परिंदों की आवाज़ है। और सुबह की हमारी मॉर्निंग होती है यहाँ हैदराबाद कौसार रोड पर एयरपोर्ट पर, बड़ा प्यारा नज़ारा है यहाँ का। एयरपोर्ट आगे और ये ट्रैक है एयरपोर्ट का, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं लेकिन ये BTS वाले भी इस्तेमाल करते हैं। और ये वो झोपड़ पट्टी भी है, मतलब कि गरीब गुरबा लो क्लास लोग भी यहाँ पर मतलब कि अपने घर वगैरह बना कर बैठे हुए। मेरा ख्याल है पहले नीचे मैं पहले भी आया था, जब जो क्या नाम है बारिशों के बाद से वहाँ आने लगी है यहाँ पर, वहाँ भी बैठी हुई है वो सामने। और अब जब रनिंग होती है तो आपको दिखाते हैं फिर आगे का मनाजिर। ये तो व्यूअर साहब मेरे पीछे देख सकते हैं लाइन लग चुकी है और ये टेंट के सामने एंट्री स्टार्ट है। मेरा टाइम 2 बजे का है और मैं सुबह 8:30 बजे के ग्रुप में शामिल होना चाहता था लेकिन उन्होंने फ़िलहाल कहा है कि आप रुकें, आपको बताते हैं थोड़ी देर तक।
इतने वैकेंसीज नहीं जितने बेचारे बच्चे हैं। अभी रात 8 बजे तक चलेगा सीन और आज दूसरा दिन है रनिंग को, तो अभी मेरे ख्याल में 2-3 महीने तक ये रनिंग चलती रहेगी, फिर उसके बाद 1 महीना तकरीबन चलती रहती है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने हैं सारे, कोई अच्छी फैमिलीज हैं तो कोई लो क्लास हैं और कोई तो माशाल्लाह बड़ी उम्र के हैं, मतलब कि उम्र बड़ी है, NIC पे काम है। काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन, काफ़ी डिफ़िकल्ट सीन है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये उसको उठा के लेके आएगा क्या वापसी? बहुत मोटा है। अच्छा वो देखो पे पीछे जा रहा है, वो जो नासी शर्ट वाला पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, इतना बड़ा मसला ही नहीं है। अगर दम लगाए ना सही तरीके से, वो थोड़ा 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 करता भी पहुंच जाएगा। ये मसला जवान के लिए कोई मसला नहीं है, इसका ख्याल करिए। आगे से अलाव नहीं है सर? अलाव नहीं है। चलो अभी भाग लेगा। अरे रुक गया बस। अबे नहीं कुछ भी करेगा, वापसी मुझे ले आइयो यार, मैंने तो नहीं करनी है कहीं मुझे वहीं छोड़ कर आ जाए। चल भाई चल सिंजोरो वाले, ओए सिंजोरो वाले उधर कर थोड़ा सर बकरी, सर नीचे कर, सर को नीचे कर, सर को नीचे रख। हाँ ऐसे शाबाश, आगे आगे जोर लगा के भागता रहे। आगे जा नहीं रहे ना बंदर, सर ये देख पैदल आ रहे हैं पीछे से, ये यहीं थक गए, आगे कहाँ भागेंगे 6 मिनट में बेचारे। अबे ये भी पीछे रह गया। अबे जोर लगा, चल यार चल ना थोड़ा। टार्ज़न मेरी बारी में तू आई हो ना। वीडियो बनाता हुआ देखो, जाके दिखाऊंगा मैं कैसे जाते हैं। चल भाई चल भाई, पुलिस वाला वीडियो बन रही है। हाँ चल 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 चल, जोर लगा। गिरता हुआ जा रहा बेचारा। अरे यार वो आगे है ना जो, वो सही टाइमिंग में जा रहे हैं। वो कहाँ कैसे आ ये जा रहा है, इसके इसके साइड वगैरह कैसे जोरे वाले साइड। अबे सर को नीचे कर, सर को नीचे कर। नीचे लल गिरा के जा रहा था तू तो मेरे को गलती कराता है पीछे। कहाँ है वो? कहाँ
ये ले जी, टाइम ख़त्म हो गया। ये बेचारे शहरी शदीद सिंगल लड़के ये पीछे रह गए। ओ वेरी सैड, ये जा रहे बेचारे हिलते हिलाते। अभी इन्होंने वापसी जाना है घर की तरफ, और बड़े बोझल पाँव होते हैं जो घर की तरफ लेके जाने पड़ते हैं। नहीं पहुँचा ना भाई, अन शहर से हो? ये भी जा रहा है, अरे ले जा रहा है। अरे यार नेक्स्ट ट्राई करना। अब बस एंड हो गया क्या? वजह क्या बनी? थोड़ा तो बचा है, थोड़ा आगे चल चक्कर मार के आते हैं, वीडियो बना के लाते हैं। ये देख रहा, उसको देख रहा, देख रहा सारे वो भाई। थोड़ा ही थोड़ा तो था, लेकिन टाइम कम था, क्या चक्कर था? टाइम सीटी भर गई, तेरी भी सीटी भर गई साथ में। अबे यार इतना लंबा माशाल्लाह कहते तेरा जान है। एक और ये खड़ा हुआ वोटा, प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करने दी ना, प्रैक्टिस नहीं नहीं भी हो रहा यार, जवान के लिए जोर थोड़ी है यार ये। हर हाल फिर भी थोड़ा कम रहेगा, 200 मिनट रह गया। अरे नहीं जरा आए, अरे यार मेरा यूट्यूब चैनल है ना, मैं इसे बना रहा हूँ। इसके लिए हम बहुत ही अफसोस है, लेकिन अल्लाह पाक इसे नेक्स्ट ट्राई के लिए भी काफ़ी टाइम पड़ा हो भाई, दोबारा देंगे। और अब मेरी रनिंग का टाइम होता है, ये तो 2 बजे का, लेकिन उन्होंने 8:30 का नहीं किया। अब 11 बजे इंशाल्लाह मेरी रनिंग है, तो फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर मी, बाय जी। तो व्यूवर्स अब मैं पहुँच गया हूँ अपने दोबारा जाए मुकाम पे जहाँ पर मैंने रनिंग देनी है। तो अभी मेरा टेस्ट में थोड़ी सी लेट है, मेरे पीछे आप लोग क्राउड देख सकते हैं, वो गरीब बेचारे वापस भी आ रहे हैं, काफ़ी इनकी रनिंग रह गई। हमारी रनिंग जो है कम्प्लीट हो चुकी है, फिजिकल टेस्ट जो है PTS की तरफ से हमारा लिया जा रहा था, तो बहुत ही अच्छा हुआ है। रात 6:45 पे और 1.5 किलोमीटर की 1600 मीटर की रेस फिनिश कर ली है, और आप जमा दवा अपने घर की तरफ। तो आज के गोल सेंटर, हाँ यहाँ पर मैं आया हूँ पहले भी टेस्ट वगैरह देने के लिए आर्मी का। जी हाँ, यहाँ पे ब्लॉग का अहतमाम होता है यहीं पर। अब के लिए मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।